नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। जो आजकल बहुत चर्चा होती है जन्म दर को लेकर, ये बार बार चर्चा होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस भ्रम को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने बहुत हद तक दूर कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इसमें भ्रम की स्थिति अब रहनी भी नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि जैसे जैसे समाज में शिक्षा का विकास हो रहा है या जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, उनमें जो पति पत्नी हैं वो स्वाभाविक तौर पर ये देखते हैं कि हमारे बच्चों का जो भरण पोषण होगा, उनके लिए जो कपड़ा चाहिए, उनके लिए जो शिक्षा चाहिए, उनके लिए जो स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, उसके लिए सीमित परिवार ही फलदायी है। सबसे पहले मैं कुछ विगत भी सर्वे का उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ हिंदू धर्म के बर्थ रेट पर, जो रिपोर्ट मैंने कलेक्ट किया। हिंदू धर्म का जो है, जो पहला हेल्थ सर्वे हुआ था 92-93 को बेस मानते हुए, उसमें 3.3 था। 98-99 में जो सेकंड हुआ सर्वे, उसमें 2.78 था। मतलब प्रति महिला पर ये बच्चे का रेशियो है। और 2005-06 में 2.59, 15-16 में 2.13, और अभी जो हुआ है पाँचवा बेस है इसका वर्ष 2019-21, इसमें 1.94। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर सर्वे में बर्थ रेट घटता चला गया है। जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, इस्लाम धर्म के धर्मावलंबी, उनका 3 सर्वे का फिगर मैंने देखा। ये पहला है 92-93 का, उसमें बर्थ रेट बहुत ऊंचा था, 4.4 था। और जो 2015-16 में हुआ है चौथा, उसमें वो 2.6 था, और अभी जो पांचवा हुआ है उसमें 2.3। यह बात सही है कि अभी हिंदू से थोड़ा सा अधिक है, लेकिन जो उत्तरोत्तर घटने की स्थिति है ये काफ़ी घटी है। और जो घटने का रेशियो आया है उसमें, ये रिपोर्ट में दिखलाया गया है कि इस्लाम धर्मावलंबियों में 9.9 के रेट से अभी घटा है बर्थ रेट। इसके अतिरिक्त मैंने अन्य धर्मावलंबियों का जो देखा, दो सर्वे का, ईसाई धर्मावलंबी का है 1.99, दो सर्वे, विगत दो सर्वे का, और 1.88। सिख धर्मावलंबियों का है 1.58 और 1.61, बौद्ध का 1.74, 1.39, और जैन धर्मावलंबियों का 1.2 और 1.6। एक रिपोर्ट और मैंने देखा जो बहुत ही मार्के का है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, कि जो इलिटरेट हैं महिला, वहाँ पे अभी जो पाया गया है बर्थ रेट वो 2.8 है। जहाँ तक पाँचवें तक की शिक्षा जो प्राप्त महिलाएं हैं उसमें बर्थ रेट 2.3 है। सातवां तक की जो शिक्षा प्राप्त महिलाएं हैं वहाँ 2.2 है। नौवां तक का 2.1 है। ग्यारहवां तक जो जिनकी पढ़ाई हुई उसमें 1.8 है। और जो बारहवां या उससे ऊपर की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वहाँ पर 1.78 आया है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को भी और सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए क्या किया जाए और शिक्षा का विकास उनमें ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। सभी महिलाएं पढ़ने की ओर उन्मुख हों, पुरुष भी पढ़ने की ओर उन्मुख हों। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, निश्चित तौर पर जो भारत सरकार का है कि 2 पर आना चाहिए बर्थ रेट, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करने में सफल हो पाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।